हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आज आपको किस में, नोटबुक में लिखना है ऊपर रिवीजन करते करके फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो, सबसे पहले इन 13,572 थ्री इज इन द प्लेस। प्लेस मतलब थ्री कौन से प्लेस के ऊपर है, वंस के ऊपर, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है ऐसे, तो ऊपर आप लिख दो नंबर के ऊपर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। एक एक आगे वाला जो जो लेटर है वो लिख देंगे हम। अब हमें क्या पूछा है, थ्री इज इन द, तो अब देखो थ्री, थ्री के ऊपर हमने लिखा है टी, टी मतलब थाउजेंड, तो वो कौन से प्लेस के ऊपर है, थाउजेंड प्लेस के ऊपर। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, प्लेस पूछा है आपको, तो क्या लिखना है उसमें, कौन से प्लेस के ऊपर है, थाउजेंड प्लेस के ऊपर है, वंस के। तो देखो ये थ्री किसके ऊपर है, थाउजेंड के ऊपर, तो यहाँ पे टी एच ओ यू एस ए एन डी एस, थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर है। कौन सा, थाउजेंड्स। एंड वन इज इन द ब्लैंक प्लेस। अब हमें वन का पूछा है, टी टी मतलब टेन थाउजेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन थाउजेंड्स कौन से प्लेस के ऊपर है, तो टेन थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर है। आपको प्लेस पूछे तो क्या लिखना है, यह देखो वंस, टेंस, हंड्रेड जैसे लिखते हैं ना, तो आपको वो प्लेस पूछा है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर है, ये टेन थाउजेंड प्लेस के ऊपर है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 247,901 टू इज इन द, अभी भी क्या पूछा है हमें, प्लेस पूछा है, प्लेस मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, वो लिखना है आपको, जो भी नंबर दिया है उसका। तो देखो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे हम, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड ये क्या है, लेख, एल मतलब लेख। अब देखो यहाँ पे टू का पूछा है, तो टू के ऊपर क्या लिखा, एल मतलब कौन से प्लेस के ऊपर, लेक्स प्लेक्स के ऊपर है, वो कौन से, लेक्स प्लेस के ऊपर है। हमें प्लेस पूछे तो क्या लिखना है, वो कौन से प्लेस के ऊपर है, वो तो थाउजेंड, लेख, वो सब। एंड फोर इज इन द ब्लैंक प्लेस, अभी भी हमें क्या पूछा है, प्लेस पूछा है, तो फोर की क्या है, फोर, टी टी मतलब टेन थाउजेंड्स, क्या होता है, टी टी मतलब टेन थाउजेंड, तो कौन से प्लेस के ऊपर है, फोर, तो टेन थाउजेंड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थाउजेंड्स। क्या आएगा इसमें, टेन थाउजेंड्स। अब नेक्स्ट देखेंगे, 36,581 द डिजिट इन द टेन थाउजेंड प्लेस इज, अब हम सॉरी, अब सी वाला रह गया, सी वाला करेंगे पहले, इन 15,39,864 फाइव इज इन द प्लेस, अभी भी हमें क्या पूछा है, प्लेस पूछा है, तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख एंड टेन लेख, है ना। तो अब उसमें फाइव का हमें प्लेस पूछा है, तो फाइव का किस में है, एल, फाइव के ऊपर क्या लिखा है मैंने, एल, एल मतलब ब्लैक, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेख प्लेस के ऊपर। एंड वन इज इन द ब्लैंक प्लेस, अब हमें वन का पूछा है, तो देखो वन के ऊपर क्या लिखा है, टेन लैक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन लैक्स प्लेस। आपको जब प्लेस पूछे तो क्या याद रखना है, ये वाला लिखना है, थाउजेंड, लैक्स, जो भी नंबर दिया है उसका। अब नेक्स्ट देखेंगे, द डिजिट इन द टेन थाउजेंड प्लेसेस, अब इसमें से हमें टेन थाउजेंड के प्लेस पे ऊपर, डिजिट मतलब कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे हम पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। तो अब हमें क्या पूछा है, टेन थाउजेंड के प्लेस के ऊपर क्या है, कौन से प्लेस के ऊपर, टेन थाउजेंड, तो देखो ये रहा है, तो थ्री आएगा, टी टी मतलब टेन थाउजेंड्स, तो यहाँ पे टेन थाउजेंड के ऊपर क्या लिखा है हमने, थ्री, तो यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, थ्री। एंड इट्स प्लेस वैल्यू इज, अब हमें क्या पूछिए, उसकी प्लेस वैल्यू, थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, टेन थाउजेंड मतलब पहले थ्री जीरो थर्टी, एंड थाउजेंड्स में कितने जीरो आते हैं, थ्री, वन, टू एंड थ्री, तो इसकी ये क्या हो गई, प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू कब लिखना है, जब आपको यहाँ पे दिया जाए, तब जब सिर्फ प्लेस दिया हो, तो आपको लैक्स, टेन लैक्स, थाउजेंड्स ऐसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे
पहले यहाँ पे आपको क्या पूछा था, उसका नंबर पूछा था। देखो डिजिट, डिजिट मतलब कौन सा नंबर है। अब उसकी आपको क्या लिखनी है यहाँ पे, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू 10,000 थी, तो 10,000 मतलब पहले 30, और 1,000 में कितने जीरो आते हैं, 3, तो हो गया ये 30,000। एंड नेक्स्ट देखेंगे अब, द डिजिट इन द लैक प्लेस। अब लैक्स के जो प्लेस है उसकी डिजिट पूछिए। तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ऊपर लिख दो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैक। अब हमें किसकी पूछी है, लैक्स की पूछी है। तो एल हमने किसके ऊपर, फाइव, तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, फाइव। एंड इट्स प्लेस वैल्यू। अब आपको इसकी क्या पूछी है, प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले 5 लाख है तो 5, और लैक्स में कितने जीरो आते हैं, 5, तो ये क्या हो गया, 5 लैक्स। उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाए, क्या है, तो 5 लैक्स। अब नेक्स्ट देखेंगे, द डिजिट इन द लैक्स प्लेस। अभी भी हमें डिजिट पूछी है लैक्स के ऊपर। तो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लेख हैं 10 लेख। तो अब हमें लैक्स की पूछी है, तो क्या है, 7। एंड डेट इज इन द 10 लैक्स प्लेस इज। अब हमें 10 लैक्स की प्लेस में कौन सा है, तो देखेंगे 10 लैक्स के ऊपर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज। अब यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू पूछी है, तो प्लेस वैल्यू जैसे हम लिखते हैं ना लॉन्ग फॉर्म में ऐसे, तो पहले आप यहाँ पे ऊपर लिख दोगे तो इजी रहेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लेख एंड 10 लेख। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है हमें, 2, उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू मतलब हम जैसे लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं ना, 2, ये है 10 लैक, मतलब 20, पहले 10 में क्या हो जाता है, 20। अब उसके बाद क्या है, लैक्स है, तो कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया 20 लैक्स। कैसे करना है, इसकी प्लेस वैल्यू पूछा है आपको। प्लेस वैल्यू मतलब जैसे हम लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं ना इसका, तो लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा उसका लॉन्ग फॉर्म। एंड डेट ऑफ 7 इज। अब हमें यहाँ पे 7 का देखना है, 7 के ऊपर हमने लिखा है एल, एल मतलब लैक्स, तो 7 एंड लेख में 5 जीरो है, तो हो गया ये 7 लेख, हो गया ये 7 लेख्स, है ना। तो आपको प्लेस वैल्यू कब लिख, प्लेस वैल्यू मतलब जब आपको ऐसे पूछा जाए तभी लिखना है ऐसे प्लेस वैल्यू, कब, जब ऐसे प्लेस वैल्यू लिखने के लिए बोला हो तब। नेक्स्ट देखेंगे, इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, ये नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू, तो पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख। तो 5 के ऊपर हमने एल, एल मतलब लैख, तो मतलब पहले 5 लिखेंगे, अब उसके बाद लैख में कितने, 5 जीरो है, तो ये हो गया 5 लैक्स। एंड डेट ऑफ 6 इज, अब 6 की पूछिए, 6 के ऊपर टी मतलब 10,000, तो 60,000। हम जैसे बोलेंगे तो भी हमने पता चल जाएगा, 5 लैख, तो हो गया 5 लैख, 60 है ना, 60,000। अब नेक्स्ट देखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, अब इसमें 6 की पूछी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, तो किस 6 की क्या होगी प्लेस वैल्यू, 60,000, 1,000 है, 10,000 मतलब पहले जैसे हमें 10, 20 लिखते हैं ना ऐसे, तो ये 6 है, तो कितना हो जाएगा, 60, और 1,000 में कितने जीरो आते हैं, 1, 2, 3, तो हो गया ये 60,000। डेट ऑफ 2 इज, अब 2 की पूछिए, 2 के ऊपर क्या लिखा हमने, टी, टी मतलब 1,000, तो सिर्फ 1, 2,000। एंड डेट ऑफ 1 इज, अब 1 की पूछिए हमें, तो 1 के ऊपर क्या लिखा, 100, तो 100, तो 100 ही आएगा यहाँ पे। तो आज आपको रिवीजन में ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है, ओके। और नेक्स्ट करेंगे हम राइट ग्रेटर, लेस और इक्वल, तो ये भी आपको आज करना है। ये देखो 45,000 और ये है 88,000, है ना, तो ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा, 45 या 88, तो ये बड़ा है। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर बड़ा है उसके सामने क्या रखना है, मुंह ऐसे खुला होना चाहिए, वो वाली साइन करनी, इतना सिंपल ही आपको याद रखना है। अब देखेंगे, ये है 1 लेख और ये है 29,000, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये 1 लेख बड़ा हुआ, यस, तो उसके सामने ये वाली साइन आएगी, है ना।
अब नेक्स्ट देखेंगे, ये है 50,000 और ये है 47,000। पहला है नंबर, नंबर देख लो पहला पहला, तो ये है 50 और ये है 47, तो कौन सा बड़ा हुआ? 50। यस, तो उसके सामने ये खुला हुआ मुंह होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखो 1 करोड़ है और ये है 98 लाख, तो कौन सा बड़ा हुआ? 1 करोड़ हुआ। यस, तो उसके सामने कर दो ये वाली साइन ऐसे ही। नेक्स्ट देखो, अब देखेंगे यहाँ पे 73 लाख 73 लाख, 60,000 60,000, 4 4, तो ये दोनों नंबर कैसा है? सेम है। सेम नंबर हो तो क्या इक्वल की साइन आएगी? देखो दोनों साइड सेम नंबर है, सेम नंबर है तो क्या आएगी, किसकी साइन आएगी? इक्वल की। अब देखो ये है 87 लाख और ये है 90,000, तो कौन सा बड़ा हुआ? लेख वाला बड़ा हुआ। यस, तो उसके सामने कर दो ऐसी साइन। अब देखेंगे यहाँ पे ये है 5 करोड़ 80 लाख, तो इसमें भी 5 करोड़ 80 लाख है ना। अब देखो यहाँ पे 1000 में कुछ नहीं है और यहाँ पे है 10, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला नंबर बड़ा हुआ है ना, तो आपको किसकी साइन? ये साइड, ये वाला बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जीरो में कुछ नहीं है, यहाँ पे 10,000 है। जब ऐसा नंबर हो ऐसे देख लेना, पहले ये दोनों तो सेम है, अब ये थर्ड वाले नंबर में देखो ये जीरो है, ये 10 है, तो कौन सा वाला ये बड़ा होगा? तो इसके सामने आएगी ये वाली साइन। नेक्स्ट है 6,34,000 और ये है 66,000, तो कौन सा यही बड़ा हुआ? तो इसके सामने आएगी ये वाली साइन। अब देखो ये है 50 और ये है 55,000, तो कौन सा हुआ? 55,000 करो, उसके सामने ये वाली साइन ऐसे। ये है 6 लाख और ये है 69, तो इसके सामने ये वाली आएगी, क्योंकि ये लेख है। अब वैसे 40,40,400 और ये है 89,000 है, तो ये कौन सा ये बड़ा हुआ? लेख वाला है वो। अब देखो 27,000 27,000 10 10, दोनों साइड नंबर कैसे हैं? इक्वल है, सेम है, तो किसकी साइन आएगी? इक्वल की। तो आज आपको रिवीजन में दो टॉपिक करने, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स और ये साइन वाला, दोनों। ओके, थैंक यू।